बाबर कैसे चल रही है तैयारी? दो दिन केवल बाकी बचे हैं पहले मैच में, और सुनाओ गेंदबाजों की तैयारी कैसे चल रही है? युवा गेंदबाज कुछ करेंगे या नहीं? रोहित भैया, अब आपको क्या सुनाएं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। ये दो गेंदबाज हैं मेन हमारे, तुम्हारे सामने। एक ने डेब्यू करना है अभी, एक ने दो मैच खेले हैं। लगता है इस बार आपकी बॉलिंग भी अच्छी और आप ही जीतोगे। मजाक मत उड़ाना हमारा यार। ओ बाबर ससुरी के, तुम अभी से बहाने बनाने शुरू हो गए। अभी तो मैच तुम लोगों ने हारा नहीं है, और तुम ये नए गेंदबाजों को दिखा रहे हैं। आर स्वरूप है, हसनैन है, जिसने 18-20 मैच खेले हैं। हमारे पास भी नए हैं। ओ रोहित ससुरी के, आपके पास ऑफ स्पिन बॉलिंग है ना, तेज गति का भी है। बी कुमार, उसने भी काफी मैच खेले हैं, कितना सीनियर है। हमारी बॉलिंग बिल्कुल न्यू है, हम बहाना बना नहीं रहे हैं, सच बता रहे हैं। रोहित भैया, ये ससुरी का बाबर बहुत होशियार है, इनकी जज्बाती बातों में आकर इनको हल्के में मत ले लेना। अगर कहीं गलती से जीत गए तो बहुत हमारी बेइज्जती करेंगे, और हारने का बहाना तो इन्होंने पहले ही ढूंढ लिया है। वाह चैल ससुरी के, तू तो बड़े दिमाग वाला निकला। हमने तो सोचा तेरा दिमाग ही नहीं है, पीकर टून रहता है। लेकिन तूने जो बात बताई है, रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं। तुम टेंशन मत लो, इनकी हम वो हालत करेंगे, ये बाबर याद करेगा। वो भी भैया, हमने पीना कब का छोड़ दिया, पहले भी हम नहीं पीते थे। वो वैसे ही दोस्तों ने बोला पीते हो, हमने हाँ बोल दिया शौक से। तुम लोगों ने तो सीरियस ले लिया, और खामखा बेइज्जती करते रहते हो यार। अबे ओ ससुरी वाले चुप करो, खामखा बेकार की बातें नहीं करो। इधर बॉलिंग कॉम्पिटिशन की बात हो रही थी तो माना, हमारे नए गेंदबाज हम अभी डेब्यू करना बाकी है, लेकिन ऐसी हालत करेंगे कि दुनिया को हैरान कर देंगे। नसीम कमाल तो हम करेंगे, दुनिया को हैरान करेंगे। वो तो हर सूरत में हो जाएगी, पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी हमारी बॉलिंग से, पूछो क्यों। वाह दानी क्या बात है, मैं तो खामखा तुम लोगों को हल्के में ले रहा था। तुम तो बढ़िया करने का सोच रहे हो, जरा मुझे भी बताओ कैसे पूरी दुनिया को हैरान करोगे। बाबर भैया, हम इनकी जल्दी जल्दी विकटें ले लेंगे, पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। इतनी बेदर्दी से हराएंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो इतना स्कोर खा जाएंगे कि जो कभी किसी ने नहीं खाया होगा। फिर भी पूरी दुनिया हैरान, कैसे लगा प्लान? ये लो बाबर ससुरी के, सुन लो अपने गेंदबाजों की बातें। लगता है वो तुमसे भी ज्यादा हिम्मत हार चुके हैं। तुम्हारा एक गेंदबाज शाइन क्या अनफिट हुआ, तुम तो सदमे से बाहर नहीं आ रहे। हमारा भी जसप्रीत बुमराह नहीं है ना। भूवी भैया, इस साल ये टीम पाकिस्तानी हम पर भारी पड़ेगी, क्योंकि ये हारने का डर अपने दिल से निकाल बैठे हैं। ये बहुत अच्छा खेलेंगे, या मार धार करेंगे, या तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे। हाँ रोहित भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे। पिछले साल भी इन्होंने यही प्लानिंग की थी, इसलिए मैच जीत गए। हम जरा डरते रहे कि मैच हार जाएंगे तो क्या होगा। ये ससुरी वाले इस साल भी यही प्लानिंग करेंगे, इधर सच नहीं बता रहे हैं। हाँ चहल भाई, क्रिकेट को इसी तरह खेलना चाहिए। हार का डर अपने दिल से निकाल कर खेलोगे तभी आप बढ़िया प्रदर्शन कर पाओगे। हम पिछले चंद सालों से यही कर रहे हैं। वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब।